जैन कॉलेज प्राचार्य शोभा जैन की सूचना पर सीएसपी विकास पांडे कॉलेज पहुंचे। जैन कॉलेज में प्राचार्य शोभा जैन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच आमने सामने का मामला गर्मा रहा है। मतलब कारण नहीं है, बिना कारण के पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है, मतलब कॉलेज कक्षाओं में कभी है। बाकी कॉलेज में जो विद्यार्थी आते हैं उनमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने चैनल आ भी चुके हैं, उनके वक्तव्य भी ले चुके हैं, क्योंकि उन बच्चों को जो पढ़ने आ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहरी तत्व हैं और उनको ज़्यादा, और उनको पीछे से कोई हवा दे रहा है, मतलब बिना काम के हंगामा कर रहा है। बात तो कुछ है ही नहीं, कुछ सहयोग राशि मांगी थी इस संघ एबीवीपी के बता रहे थे, तो कुछ लोगों ने हमारे यहाँ दे दिए 11,000 रुपये। मेरे से 20,000 बोला था, लेकिन उस इच्छा से जो जितना देना चाहता दे दिया। उसके बाद ही वो हंगामा शुरू हो गया उनका, पीछे से कोई उनको बैठने में हवा दे रहा है। और एक दिन नोडल कॉलेज की प्रिंसिपल आई थी यहाँ पर, डॉक्टर मंजू जैन, तो उन्होंने बच्चों को बुला के यहाँ हंगामा करवाया और ज्ञापन लिया खुद यहीं कॉलेज कैंपस में। तो ये अच्छा नहीं लगा, एक प्रिंसिपल की मर्यादा के खिलाफ है। यदि आपको ज्ञापन देना है तो अपने महाविद्यालय में, जैन कॉलेज से आके मतलब इस तरह से काम करना गरिमामय नहीं होता। मतलब एक तुम नोडल कॉलेज की प्रिंसिपल हो और यहाँ आके ज्ञापन बच्चों से ले रही हो, हंगामा करा रही हो, तो मुझे यही लगता है कि बैक में कोई, क्योंकि बच्चों में तो उतना होता नहीं है, कोई बैक में काम कर रहा है, ये सब करवा रहा है गलती। बाकी जो महाविद्यालय में विद्यार्थी आते हैं उनको आप क्लास में जाके भी, ये पत्रकार हैं, इन्होंने भी वक्तव्य लिए बच्चों के, और भी आए न्यूज़ चैनल वाले सब भी, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं जो क्लास में आ रहे हैं। और हमारा कॉलेज इतना अच्छा चल रहा है, काफ़ी पुराना 1958 का है, अनुदान प्राप्त है, पहले 65 प्रोफेसर थे यहाँ, अब केवल 8 लोग बचे हैं, और विद्यार्थियों की संख्या 2,500 से ऊपर विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, और काफ़ी अच्छे से चल रहा है, सभी बहुत मेहनत करते हैं। बाकी हम लोग गैस फैकल्टी नियुक्त करते हैं, तो उससे तो जब कोरोना काल में ऑफलाइन ऑनलाइन सारी क्लासेस यहाँ संचालित, सब कॉलेज बंद थे तो भी यहाँ क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन भी बराबर हुई हैं, ऑफलाइन भी हो रही हैं। नहीं, बेसिकली उनकी डिमांड क्या है, किस चीज़ का डिमांड समझ में नहीं आ रही, उनको समझ में नहीं आ रही। कभी कहते हैं कौशल मनी भी नहीं समझ पाते, बोलते कौशल मनी क्या होती है, फिर पूछते हैं एक दूसरे से कौशल मनी, हमने तो कौशल मनी तो जो बच्चे आवेदन देते हैं, कभी क्यों आवेदन नहीं देंगे तो बच्चे कैसे लौटाएंगे। बराबर सारी सुविधाएं, अब ये कॉलेज का रेनोवेशन भी चल रहा है, सारी सुविधाएं मतलब मुहैया करा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा वो। मैं मतलब एक पहले तो बच्चों को मतलब ये कि शोभा जैन हाय हाय, शोभा जैन बाहर आओ रोज, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक मैडम भी नहीं लगाना कुछ नहीं। राहुल गुर्जर हैं, LLB फर्स्ट ईयर में हमारे यहाँ एडमिशन है, लेकिन क्लास में कभी नहीं आते, वो नगर मंत्री बताते हैं अपने को ABVP के, वो नेता बन के आते हैं और 2-4-10 लड़कों को घेर लेते हैं, वही कर रहे हैं सारा। मुझे लगता है पीछे से कोई काम कर रहा है, मतलब उससे क्या है, डिस्टर्ब तो होते हैं ना सर, थोड़ी सी सर सुरक्षा रहे यहाँ पे, सुरक्षा रहे, और हम लोग भय ना रहे टीचरों में, क्या ना कर रहे हैं तो हम लोगों पे भी अटैक कर रहे हैं। कि यहाँ पे जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उससे संबंधित वो चर्चा करना चाह रही थी, तो मैडम के इश्यूज़ को सुना गया और छात्रों से भी बात की जाएगी, जैसा जो होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मांग तो उनकी कुछ समझ में नहीं आ रही, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तो मुझे नहीं लगते, क्योंकि पहले भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी आते थे, बहुत शालीनता से अपनी बातें बताते थे और हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। ये अभी जो नए आए हैं, पता नहीं है भी कि नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो भी हैं तो हंगामा कर रहे हैं, वो भी 4-6 विद्यार्थी हैं जो 4-6 को और घेर लेते हैं। बाकी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, कभी कुछ कहते हैं कौशन मनी वापस नहीं की जाती, कौशन मनी भी वो अर्थ नहीं समझते, कौशल मनी, अब कौशन मनी तो जिन विद्यार्थियों के यहाँ आवेदन आते हैं हम उनकी वापस लौटाते हैं बाकायदा, जिनके आवेदन ही नहीं आएंगे तो कौशन मनी कैसे वापस होगी। किया गया, एक दिन आई थी नोडल अधिकारी, बच्चों को लेके हंगामा करवाया और यहाँ ज्ञापन लिया उनसे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि एक गरिमामय पोस्ट पे होके जैन महाविद्यालय में आके ज्ञापन ले रही हैं वो, उनको ज्ञापन लेना है तो अपने महाविद्यालय में लेना चाहिए, तो पता नहीं साहब मतलब उन्होंने क्यों किया, मतलब ये तो हम नहीं कह सकते विश्वास के साथ, लेकिन कोई बैक में तो है बच्चों के जो सब करवा रहा है। ये कब की बात है जब उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन लिया था,
ये ज्ञापन लिया था करीब कौन सी तारीख थी देखना, ये करीब एक महीना हो गया लगभग, और तब से ही निरंतर हंगामा हो रहा है यहाँ पर कॉलेज में। एक महीने एक महीना के लगभग, और चेतावनी दे के गए थे कि हम रोज करवाएंगे मतलब हंगामा और रोज। हाँ भी एक तो असुरक्षा उत्पन्न होगी, ये जान का भी खतरा है कि वो कहते हैं हम देख लेंगे, शोभा जैन तेरी खैर नहीं तो पता नहीं, खैर नहीं तो क्या करेंगे मतलब, या मेरे पे अटैक करवाएंगे या मेरी मतलब जान को भी खतरा है। हम पत्र भी लिख चुके कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, कि यहाँ सुरक्षा मुहैया कराई जाए मतलब। ठीक है, ठीक है।